अमी साहब होंगे और इन्हीं की तरफ से अब हमारे प्रेस नोट वगैरह आएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारी रिमोर्स ऐसी है कि यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया जाएगा, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो साउथ कश्मीर है उसको जम्मू के साथ जोड़ा जाएगा, तो कहा आपने उसके बारे में ये मीटिंग तलब की थी या कोविड के लिए ये मीटिंग थी? देखिए, ये तो पहले हम लोगों को मिलने की ज़रूरत थी, बहुत वक्त हो गया। रूमर तो यहाँ हर वक्त चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ रूमर जैसे आप सुनते हैं हम भी सुनते हैं, मगर हमें इसके ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जो उन्हें वो करना होगा करेंगे, हम तो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को ठीक रखेंगे। फारूक सर, लगातार डिलिमिटेशन के सवालों पर महबूबा जी भी शांति बनाए रखे हैं, आप भी शांति बनाए रखे हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस के बारे में अभी क्या आपका स्टैंड है, क्या डिलिमिटेशन पे आपके जवाब कंटिन्यूसली सवालों पर नहीं आते? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, हम लोग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और हमने उनसे कहा है आप वो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, उसका जवाब आ जाए हमें। डिलिमिटेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे जवाब आए तो उसके बारे में फिर हम फैसला करेंगे। सही है, जज साहब के हवाले से पॉलिटिकल प्रोसेस आपका क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हुआ है लेकिन पॉलिटिकली आप लोग क्या कर रहे हो उस चीज़ को रेस्टोर? देखिए, पहले आपको मैं बताऊं, खुद आप जानते हैं कि आज सूरत क्या है इस बीमारी, लोगों से एहतियात से मिलना पड़ता है क्योंकि बीमारी ऐसी है कि अल्लाह नजात दे, मुझे खुद हुई है और मैं जानता हूँ मेरे पे कितना इसका अभी भी असर, मैं वो असर है जिसको अभी भी वो गया नहीं है, और कितने ही लाखों इस दुनिया फानी से चले गए इस बीमारी से, और हम इस बीमारी को ऐड नहीं कर चाहते हैं, बल्कि हम आज हमने पूरा मिलके उन सब को जो इस बीमारी से गुजर गए हैं उन्हें हमने जो है मगफिरत के लिए दुआ मांगी। और एक बात जो मैं भूल गया आपसे कहना, यहाँ पे पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त दबाव और है, पकड़ धक्कड़ और लोगों को पकड़ धक्कड़ ये वो कर रहे हैं, बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मेरे ही रास्ते पे आप देखें, वहाँ पे नीचे कंडा है नर्सिंग होम के पास, वह खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जब उनसे पूछते हैं कि क्यों बंद किया है, दुनिया की गाड़ी चलती थी, आज इसे बंद क्यों कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो गलत है, अगर ये डेमोक्रेटिक राइट है इंसान का चलने का सड़क पे, तो उसको बंद क्यों कर रहे हैं आप, उन गाड़ियों को लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैंने ये देखा नहीं है, और इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ज़रूर अपील करूंगा आपकी मेहरबानी से इस तरह भी तवज्जो दें कि ये जो ये पकड़ धक्कड़ है इसको बंद करें। यहाँ फिर लोग इतने खिलाफ हो जाएंगे कि इनको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आपने मुझे वोट दिया है कि मैं इस्तीफा दूँ, कमाल है। अब सवाल सुनिए, सवाल ये है कि क्या इस बार अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया, चाहे गुस्से से, चाहे लोगों के जज्बात को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, क्या उस पार्लियामेंट को आप अलविदा कहेंगे? क्या करेंगे? मैं नहीं कहूँगा, आग में रहकर हमने लड़ना है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप उसको पैदा भी नहीं हुए, मेरे वालिद को जब सऊदी अरेबिया में थे और उनको ये पता लग गया था कि दिल्ली जब वो वापस आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस वक्त के जो बादशाह जो थे शाह फैसल, उन्हें शेख साहब को ऑफर किया कि आप यहाँ रहिए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं आग में रहकर, उस आग में रहकर मैं उस आग को बुझाना चाहता हूँ। हम भी पार्लियामेंट में रहकर अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं या पार्लियामेंट के मेंबर। इशारा दे रहे हैं कोई बड़ी अपोजिशन बनाने के हवाले से पूरे मुल्क में? मुल्क में तो पहले ही अपोजिशन बड़ी है, हर एक पार्टी बड़ी है, आप देखते हैं सब इकट्ठे हैं, कई मसलों पे इकट्ठे हैं,
और इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे रहेंगे, तो ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं इकट्ठे रहेंगे। मैं सिर्फ इस बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या हम सब भी यहाँ से इस बदनसीब सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो भी मुसीबत आज तक आन पड़ी है हम पर, एक साथ मिलकर हमारे आवाम ने उसको झेला है, सामना किया है। ये जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट में जाने का ना जाने का, मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत सब कहीं पर रुकनी चाहिए। जहाँ तक हमारे पीएचईडी का ताल्लुक है, वी विल यूज़ एवरी अपॉर्चुनिटी, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन अपॉर्चुनिटी भी हमें मिले, हम उसको खोना नहीं चाहेंगे, मज़ाहमत कर लेंगे अपने आवाम की खातिर। और एक बात मैं अशोर करना चाहता हूँ पीएचईडी के रहनुमाओं की तरफ से, नेवर एवर मिसअंडरस्टैंड अस and we must convey it to the people of every region, whether it is Jammu, Kashmir, even Ladakh, that we shall be on the side of our dear people who are suffering, who are settled, there is no hope, but certainly we will be on their side. सरकार से बात करें ताकि जम्मू कश्मीर, देखिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, कोई दरवाजा हमने बंद नहीं किया, ये बात याद रखें, जब वो हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे उस वक्त, वी विल सी टू दिस थिंग, बट वी आर नॉट क्लोजिंग एनी ऑप्शंस, यस, नॉट क्लोज एनी डोर्स, यस, वेरी गुड, व्हाट वी वांट इज बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल, एज़ ही टोल्ड यू, नाउ द लाइन इज ओवर, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।